बैक टू माई चैनल। नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। का दिन है सैटरडे और घड़ी में बजे 12:30। अभी जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ वो हैरो का एरिया है और यहाँ से मैं जा रहा हूँ वेमली की तरफ। आज अच्छी धूप निकली है और टेम्परेचर 9 डिग्री के पास है। अभी अर्ली मॉर्निंग सुबह में मैंने जब देखा था तो -1 टेम्परेचर था। अभी टेम्परेचर बढ़ के 9 डिग्री तक पहुँच गया है, लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बिना जैकेट के आप यहाँ पर घूम नहीं सकते, आपको कंपलसरी जो है जैकेट डालना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप आधा घंटा बिना जैकेट के घूम रहे हो तो आपके शरीर में जो है ठंड घुस जाएगी और बीमार होने के चांसेस ज़्यादा है। तो फिलहाल अभी मैं एक दोस्त है, उसका छोटा सा मूविंग है तो वहाँ जा रहा हूँ। और वहाँ जाके पता चलेगा किस टाइप का लगेज और सामान है और कहाँ जो जाना है। वो फैमिली से सतबरी जाना है, बहुत दूर नहीं है, तो दोनों एरिया जो है पास में पड़ते हैं और दोनों एरिया में जो है इंडियन कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट रिसेंटली यहाँ यूके में आते हैं तो प्राइवेट लैंडलॉर्ड या हाउस ओनर से कमरे किराए पर लेकर वहाँ रहते हैं और वहाँ से अलग अलग रीज़न से वो लोग मूव होते हैं। तो वो तो ज़्यादा पता नहीं है क्या रीज़न है, लेकिन एक दोस्त का मुझे कॉल आया था तो जस्ट उसको हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ। वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो लेट्स सी, देखते हैं। राइट तरफ आप देख सकते हैं रास्ते पे पूरा जो है क्यू लगी हुई है व्हीकल की। तो लंदन में एक चीज़ अच्छी है, अगर सिंगल ट्रैक रोड है तो यहाँ कोई भी जो है ओवरटेक नहीं करता है। बहुत ही पेशेंटली अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए क्यू से ही चलाएगा गाड़ी, कोई भी ओवरटेक नहीं करेगा, ना ही कोई हॉर्न बजाएगा। तो ये जो चीज़ है मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और मेरे ख्याल से जो सारी फॉरेन कंट्री है वो सभी जगह पर ऐसी सिस्टम है। अभी देख लो मेरे आगे भी जो है थोड़ा सा जाम है, थोड़ी जो बहुत कार्स की जो है लाइन लगी हुई है। तो देखो यहाँ भी आराम से पेशेंटली लोग जा रहे हैं। मुझे लगता है मेरे आगे थोड़ा एक्सीडेंट हो गया है। देखो यहाँ रोड पे डेब्रिस पड़ी हुई है और ये दो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ ये चीज़ भी अच्छी है, लोग आमने सामने मारामारी नहीं करते, एक दूसरे की डिटेल जो है शेयर करते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, इंश्योरेंस और वगैरह वगैरह। तो जो इनकी दोनों की इंश्योरेंस कंपनी है वो लोग चेक करेंगे किसका फॉल्ट है क्या है, और उसके बाद आपस में इंश्योरेंस कंपनी जो है उनका खर्चा उठा लेंगी। और यहाँ एक चीज़ बहुत ही डेंजर है, अगर आपकी गलती है और आपकी गलती निकलती है और सामने वाला क्लेम करता है और उसमें आपकी गलती निकलती है, आपका जो इंश्योरेंस है वो अगले साल का इंश्योरेंस जो है बहुत ही हाई प्राइस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हर कोई जो है बहुत ही संभल कर और बहुत ही सेफ्टी के साथ ही व्हीकल ड्राइव करता है कि जहाँ उसकी गलती ना हो। अगर गलती हो गई तो समझ लो आपका इंश्योरेंस जो आज इस साल है उससे डबल हो जाएगा। और कुछ कुछ कंपनियाँ तो आपको इंश्योरेंस भी नहीं देती है। तो ये कंट्री में विदाउट व्हीकल अगर घूमना है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है तो आपका समय की बहुत ही बर्बादी है और आप बहुत ही मुश्किल में आ जाओगे। हर कोई जो है यहाँ संभल के ही ड्राइव करता है, ये चीज़ यहाँ पर अच्छी है। तो मेरे राइट साइड में अभी जो है वो सतबरी प्राइमरी स्कूल है, तो अभी ये सतबरी का एरिया आ चुका है हैरो से, और अभी मैं इसको क्रॉस करके आगे जाऊंगा तो फैमिली का एरिया स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा जो एरिया है उसको सतबरी टाउन कहते हैं। तो यहाँ काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह है शॉपिंग करने के लिए। सामने फ्लेम है, बर्गर की शॉप है, बाद में उसके बाजू में पिज़्ज़ा विलेज है, और यहाँ पर जो है अपने जैसे इंडिया में बोलते हैं किराना स्टोर, तो यहाँ ऑफ लाइसेंस बोलते हैं इस स्टोर को, जो देर रात तक खुली रहती है। वहाँ से भी आपको कुछ भी चीज़ चाहिए जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ है, जैसे
दूध हो गया, चीनी हो गई, चाय हो गई, तो वहाँ सब आपको लेट नाइट भी खुली रहती है शॉप और मिल जाता है। तो उसके लिए आपको सुपर स्टोर में या ग्रोसरी स्टोर में जाने की ज़रूरत नहीं है। और कोई सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह है तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, तो आपका काम निकल जाएगा। अभी जो मैं है वैमली एरिया में पहुँचने वाला हूँ। ये जो बड़ा सा सर्कल है उसको बहराम पार्क राउंड अबाउट बोलते हैं। तो लंदन में सर्कल को राउंड अबाउट बोलते हैं, और एज़ पर माय एक्सपीरियंस इंडिया में उसको सर्कल बोलते हैं। तो हर एक कंट्री की अपनी जो है पहचान है, लैंग्वेज है और आइडेंटिटी है। मैं यहाँ से राइट कर लूँगा, तो जो डेस्टिनेशन में मुझे जाना है उसका नाम है हीलिंग रोड। तो ये जो रोड स्टार्ट होता है उसका नाम है चैपलिन रोड। शायद मेरी लेफ्ट में आप देख सकते हैं साइन बोर्ड लगाया हुआ है। तो यहाँ हर एक रोड के कॉर्नर पे एक साइन बोर्ड होता है, वो रोड स्ट्रीट और रोड का नाम लिखा होता है, लेटर और वन डिजिट का पोस्ट कोड का भी आइडेंटिटी मार्क लगा हुआ होता है। तो उससे भी पता चल जाता है कि ये कौन सा पोस्ट कोड स्टार्ट होता है यहाँ पर और कौन सा रोड है। तो ये चीज़ भी यहाँ बहुत अच्छी है। ये मेरे सामने जो H17 बस है वो भी हैरो से यहाँ पर आई है। उसका रूट जो है थ्रू हैरो आता है और वो अल्पटन तक बैमली तक जाएगी। हमने जो शॉप्स वगैरह दिख रही है, रथी ज्वेलर्स, ब्यूटी कॉम्प्लेक्स, कैम्प्स ब्यूटी, वो है हीलिंग रोड। वो हीलिंग रोड पे मुझे राइट टर्न लेना है और फिर आगे मुझे जाना है मेरे डेस्टिनेशन पे। जैसे मैं आगे जाऊंगा और जो काम करूंगा वो आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी मैंने राइट टर्न ले लिया है, मेरे सामने फैमिली मॉस्क है और ये हम हीलिंग रोड पे आ गए हैं। मेरे पिछले वीडियो में ये हीलिंग रोड का पूरा वीडियो है, कोरोना के टाइम पे क्या इसका हाल था और कैसा इसकी सिचुएशन थी वो भी मैंने बताया है वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप देख सकते हैं कोरोना के टाइम पे हीलिंग रोड कैसा दिखता था। यहाँ अभी काफ़ी सारा बड़ा मार्केट है, आजू बाजू में फूड कोर्ट है, फूड की शॉप्स है और कपड़े की दुकानें हैं। तो ये भी बहुत ही फेमस एरिया है, ये भी हीलिंग रोड फैमिली ही है। सैटरडे का दिन है, वीकेंड का डे है, तो ज़्यादातर लोग बाहर से यहाँ आते हैं शॉपिंग करने के लिए, खास करके सब्जी वगैरह लेने के लिए, ग्रोसरी लेने के लिए। तो यहाँ इंडियन फूड की काफ़ी सारी जो है शॉप्स वगैरह अवेलेबल है। तो यहाँ फ्रेश, सस्ता और ताज़ी आइटम्स बहुत मिलती है यहाँ पर, और अपने जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं उनकी पसंद की सारी चीज़ यहाँ मिल जाती है। जैसे आप इंडिया में अगर अचार खाते हो किसी जानी मानी कंपनी का और टेस्टी अचार, तो वो भी यहाँ आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। इस वजह से लोग यहाँ बहुत बाहर से आते हैं, बाहर के जो नज़दीकी एरिया होते हैं वहाँ से यहाँ आते हैं और पूरे हफ्ते का राशन वगैरह यहाँ से बाय करके ले जाते हैं। तो ये भी चीज़ है, इसके लिए भी ये फेमस है ये एरिया। देखिए आप सारे आपको गुजराती मिलेंगे। तो ये मेरे लेफ्ट साइड में जो शॉप आ रही है पटेल, अभी रिसेंटली ओपन हुई है और यहाँ का फूड भी बहुत फेमस है, मेरे लेफ्ट में आप देख सकते हैं। अभी मैं जस्ट अपने लोकेशन पे पहुंचने वाला हूँ। तो अभी जस्ट आपने स्टिल पिक्चर में जो इमेज देखी उतना ही सामान था। एक लड़की थी, स्टूडेंट थी, तो उसका काफ़ी सारा सामान नहीं था। तो जस्ट अभी उसको लोड करके हम ड्रॉप करने जा रहे हैं उसके दूसरे लोकेशन पे। तो ये भी सदबरी का ही एरिया है। तो जो रास्ते से अभी मैं आया था उसी रास्ते से मैं वापस जा रहा हूँ घर की तरफ।
एरिया है वो बेलमोंट सर्कल बोलते हैं इसको, आपको लेफ्ट साइड व्यू साइन बोर्ड में शायद दिखेगा इसका नाम। तो बेलमोंट सर्कल से जाते हुए मैं जा रहा हूँ एजुअर की तरफ, तो ये पूरा जो हैरो में ही आता है और आगे जो एजुअर है वो एरिया चेंज हो जाएगा, हैरो से एजुअर हो जाएगा। और सर्कल आया है, इसका नाम क्या है भाई, कैनन्स पार्क की तरफ जाता है, कैनमोर एजुअर कैनन्स पार्क। और अभी करंट टाइम है 4:16, शाम के 4 बज चुके हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट क्लाउडी वेदर है। मेरी लेफ्ट में जो है कैनन स्पार्क ट्यूब स्टेशन है अंडरग्राउंड, इसी फ्रिज की डिलीवरी मैंने ली थी एजुअर से और मैंने किंग्सबरी उसको डिलीवर किया, और मैं जा रहा हूँ अगली डिलीवरी के लिए, देखते रहिए। इससे पहले मैं जो गया था कैनन्स पार्क से एजुअर, वहाँ से फ्रिज की डिलीवरी उठाई थी और हमने किंग्सबरी में जो है उस फ्रिज को डिलीवर किया था। तो अभी फ़िलहाल दूसरी एक मूविंग में आया हूँ, जो छोटा ही मूविंग है, स्टूडेंट लोगों का ही मूविंग है। यह नज़ारा है और सामने जो रिंग दिख रही है वो वेम्बली स्टेडियम की रिंग है। वेम्बली स्टेडियम बहुत फेमस है और एरिया जो है वेम्बली पार्क के पास में ही है वेम्बली स्टेडियम। भाई गजब का नज़ारा है, छोटा सा फाउंटेन बनाया है यहाँ पर। छोटा सा पॉन्ड बनाया है। वहाँ जो लेज़र लाइट चल रही है, पता नहीं क्यों लगाई हुई है, जस्ट फॉर डेकोरेशन आई थिंक सो। लंदन में भी कनाडा आ गया है, ये जो पूरी जो बिल्डिंग है इसका नाम ही कनाडा गार्डन रखा है। यहाँ पर हमको स्टॉप जो है अपलोड करना है। मैं बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, और यहाँ से आप देखिए मैं कैमरा को टिल्ट करता हूँ कैसा नज़ारा है। फैमिली में बुर्ज खलीफा आ गया। तो दोस्तों अभी जो बाहर से कनाडा गार्डन फ्लैट दिखाया था ये उसका अंदर का लोडिंग का एरिया है, पूरा पार्किंग प्लेस है। तो अंदर से कुछ ऐसा नज़ारा है और जो स्टफ हम लोड करके लाए थे वो यही है सब। ये भाई ब्रॉडकास्ट सही है। तो अभी और एक इंक्वायरी आई है, तो अभी वापस से एजुअर जा रहा हूँ। अभी जो रास्ते पे खड़ा हूँ वो किंग्सबरी एरिया है, 2 मिनट की दूरी पर ये मेरा लोकेशन।
कितने बजे है? 7:05 नाइट वाली फीलिंग आ रही है। लंदन में विंटर ऐसी ही रहती है, विंटर में ऐसा ही माहौल रहता है लंदन में। तो गाइस जो एजुअर में मूविंग के लिए जा रहा था वो यही मूवी था और खत्म होता है। अभी मैं घर की तरफ जाऊंगा। तो दोस्तों अभी एजुअर का मूवी खत्म करके मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। तो ये हैरो का ये एरिया है, ये जो रास्ते पे अभी ड्राइव कर रहा हूँ वो स्टेशन रोड इसका नाम है। तो गाइस जो लोग ये वीडियो को और इस चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज का वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया है। अभी घर पे जाऊंगा, खाना वाना खाऊंगा और उसके बाद इस वीडियो को यहाँ पर एंड करूंगा। देखते रहिए इस वीडियो को। सो गाइस फाइनली मैं अभी घर पे आ चुका हूँ और अभी जो है 9:15 रात के और अभी जो है मेरा खाना चल रहा है। खाने में चपाटी जिसको हम भाकरी बोलते हैं गुजराती में, ये गुंदे का अचार है, मसाला पापड़ है, वघारेली खिचड़ी और छाछ है। तो आज का खाना इस प्रकार है और यहाँ से अभी मैं इस वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।